राज्य आंदोलनकारियों के प्रदेशव्यापी आंदोलन के आह्वान पर हल्द्वानी के एसडीएम कोर्ट में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विधायकों के वेतन बढ़ाए जाने और राज्य की मांग को लेकर विरोध किया। आंदोलनकारियों ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को केवल 4,500 रुपए प्रति महीने पेंशन दी जा रही है। जनता की सुविधाओं को बढ़ाने के बजाय विधायक अपनी तनख्वाह बढ़वा रहे हैं, जबकि राज्य के अस्पतालों की हालत तर होती जा रही है। हल्द्वानी देखो 24-25 जुलाई 1979 से हम उत्तराखंड प्रांतल के फाउंडर मेंबर हैं और हमने लगातार इस राज्य के संघर्ष किया है लोगों के साथ मिलकर के। सारे हमारे कुंवर साहब हैं, ये चिलवाल जी हैं, हमारे काबड़ी जी हैं, काबड़ी जी भुवन ये जोशी जी हैं, हमारे प्रकाश जोशी जी हैं और केडी गुड़वन जी हैं। हम लोगों ने और ये राज्य का बड़ी मुश्किल से जो है 2000 में इसका राज्य का निर्माण हुआ, लेकिन हम सारे आंदोलनकारी ने जिस राज्य के लिए लड़ाई थी, जिस मकसद से जैसा राज्य बनना चाहिए था वो राज्य नहीं बन पाया है। तो आज भी हम सारे आंदोलनकारी इकट्ठे होकर के उस राज्य के लिए हम अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर डीडी पंजी ने कहा था पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी जो है पहाड़ के काम आना चाहिए, वो आज तक नहीं आया। मांग यह है आज तक हमारी राजधानी जो 1992 में राजधानी का शिलान्यास गैरसैंण किया गया था, आज तक वहां पर सरकारों ने राजधानी का वो नहीं किया और खाली टाल मटोल कर रहे हैं। कोई ग्रीष्मकालीन कहता है, कोई शीतकालीन कहता है, कोई वर्षाकालीन कहता है। देखिए अभी जो गैरसैंण में सदन हुआ है इसमें हमारे माननीय विधायकों के जो वेतन मान है वो 4.5 लाख रुपए हो गया और हमारी जो गरीब जनता है वो लगातार जो है देखो परेशान है और सब लोग अभी जो है रोजगार के लिए परेशान है और हम लोग जो है आंदोलनकारी राज्य आंदोलनकारी केवल 4,500 रुपए महीने का मिल रहा है, जबकि राज्य के लिए इतना संघर्ष किया, 42 लोगों ने शहादतें दी, उसके बाद भी आज जो है हमारे लोगों को जो है सम्मान नहीं मिल पाया उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को। तो ये सारी स्थितियां यही मांग हमने इसमें रखी है। देखिए पूरे प्रदेश भर में आज राज्य आंदोलनकारी ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम के माध्यम से, प्रदेश में कार्यक्रम है। हम चाहते हैं कि हमारी स्थायी राजधानी 24 साल में कहां होगी तय नहीं कर पाए हैं। हम स्थायी राजधानी गैरसैंण चाहते हैं और शहीदों के सपनों का राज्य चाहते हैं और प्लेन बेरोजगारी भ्रष्टाचार के मुद्दों को हम चाहते हैं। मूल भू कानून की हम आवश्यकता पर जोर देते हैं। जो पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर ओबीसी का दर्जा ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ मूल निवासियों को ओबीसी एससी का दर्जा मिलना चाहिए और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। और राज्य आंदोलन पर हम चाहते हैं कि इनको स्वतंत्रता सेनानियों के समान दर्जा मिलना चाहिए और इनकी पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए।